हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर जो कि यहाँ पर थंबनेल में मेंशन है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेब रजिस्ट्रेशन की डेट को जो बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है, और वेब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एडमिशन लेने तक का प्रोसेस क्या होने वाला है कैंपस में और एफिलेटेड कॉलेज में, वो भी मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता दूंगा इस वीडियो में आगे। सेकेंड पॉइंट है, इसमें फेल स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। स्पेशल एग्जाम फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन बच्चे स्पेशल एग्जाम में बैठ पाएंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑफिशियल लेटर के थ्रू, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पेपर कटिंग न्यूज़ के माध्यम से बताया था, बट पेपर कटिंग न्यूज़ को हम इतना वैलिड नहीं मानते जितना कि ऑफिशियल लेटर को मानते हैं। तो फाइनली ऑफिशियल लेटर आ चुका है और इसके थ्रू हम जानेंगे, ऑफिशियल लेटर के थ्रू जानेंगे फेल स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, कौन से छात्र प्रमोट हुए हैं स्पेशल एग्जाम में, कौन कौन से स्टूडेंट्स बैठेंगे, और आप लोगों का जो वेब रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह है, और उसके बाद एडमिशन तक का प्रोसेस, ठीक है। तो सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से आपको बता देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की पाने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वेब रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। काफ़ी लोगों का कंसर्न आ रहा था, मेरे पास डाउट भी था कि सर वेब रजिस्ट्रेशन करा दिया, इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है। तो चलो ये प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, वेब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एडमिशन तक की जो प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कितनी थी, 20 जुलाई थी अभी तक, ठीक है, 20 जुलाई थी अभी तक, जिसको अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दिया गया है। तो फर्स्ट चीज़ आप लोगों की ये क्लियर हो गई, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखना। आफ्टर दैट अपना रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट करना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, अब इसको बढ़ाकर 31 जुलाई इसकी अंतिम डेट कर दी गई है निर्धारित, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन के प्रकार होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक तो होता है कैंपस के लिए, एक होता है यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसका प्रोसेस क्या रहता है और इसका प्रोसेस क्या रहता है बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानेंगे वेब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है, वेब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया एक होता है कैंपस के लिए, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी कैंपस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। आफ्टर दैट आपको अब नया सिस्टम आ गया, एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा उसके बाद, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। आफ्टर दैट आप लोगों को वेट करना होगा किसका, यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट आने तक का, ठीक है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आता है, जब भी डिक्लेयर होगी ये, और जब भी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको यूनिवर्सिटी जाना है अपना एडमिशन या फिर काउंसलिंग कराने, ठीक है जी, क्लियर हो गई। आपको अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, एडमिशन फॉर्म को फिल करना होगा, उसके बाद आपको वेट करना होगा यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आने तक का। अगर मेरिट लिस्ट आती है और आपका उसमें नाम है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर आपको काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था आपका यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज वालों के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इससे एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कि पढ़ते हैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में, और एटा डिस्ट्रिक्ट में, और आपके अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं ये किससे एफिलेटेड हैं, ये हैं आप लोग के RMPSU से, ठीक है, RMPSU से एफिलेटेड हैं जितने भी कॉलेज हैं इन चारों ज़िलों के, ठीक है। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है RMPSU से एफिलेटेड, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी वेब कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो एडमिशन लेना होगा, तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज पाए जाते हैं, एक तो होते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज और एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज,
ठीक है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्सिटी का वेब रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को, कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन करके आपको डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको अगर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा यूनिवर्सिटी का, आफ्टर दैट फिर इस कॉलेज का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। फिर आपने इस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद ये कॉलेज अपने कॉलेज की मेरिट लिस्ट को जारी करेगा। अगर इसमें आपका फिर नाम आता है तो फिर आपको इस कॉलेज में जाना होगा अपना एडमिशन या फिर काउंसलिंग के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई? तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट आती है, वही कैंपस वाला वो है हिसाब, ठीक है। और उसके बाद अगर लिस्ट में नाम है तो फिर आपको एडमिशन या फिर काउंसलिंग के लिए उस कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ओनली वेब रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन जाकर ले लेना है, ठीक है। क्लियर हुई वाली चीज़? तो जो वेब रजिस्ट्रेशन की डेट थी अभी तक वो 20 थी, इसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है, ठीक है जी। क्लियर हुई ये वाली चीज़ आप लोगों की? अब बढ़ते हैं इस नोटिस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी आरएमपीएससी से अभी किसी न किसी कोर्स में रनिंग में है, ठीक है। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं इस लेटर की तरफ, ठीक है, जो कि दिनांक 20 जुलाई 2024 को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है और पब्लिश किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, परीक्षा समिति की बैठक 15/7/2024 में जो निर्णय लिया गया वो इन दोनों पॉइंटों में मेंशन है, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पेपर कटिंग के माध्यम से बताई थी जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें ठीक थी, बट पेपर कटिंग को हम इतना सच नहीं मानते जितना कि ऑफिशियल लेटर को मानते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल लेटर के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसी को वैलिड मानना चाहिए, पेपर कटिंग वगैरह में तो कुछ चीज़ें अप एंड डाउन वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा समिति की जो बैठक हुई थी प्रोटेस्ट के बाद, वो हुई थी 12/7/2024 को, उसमें जो निर्णय लिया गया था वो इन दो बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक कर दिया, गुड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, शासन आदेश संख्या इतना इतना इतना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों के मतलब की बात नहीं है, इसमें जो मतलब की बात है वो ये है, किसी भी प्रकार का कृपांक या फिर ग्रेस मार्क्स ना दिए जाने का प्राविधान किया गया है, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है, जिनमें स्टूडेंट्स की 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से या फिर 3 नंबर से या फिर 5 नंबर से, कितने भी नंबर से अगर बैक थी तो उसको री एग्ज़ाम देना होगा, उसको कोई भी ग्रेस अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो किसी भी प्रकार का कृपांक मार्क्स ना दिए जाने का प्राविधान किया गया, ठीक है। इसमें आगे क्या है, अतः नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कृपांक मार्क्स ना दिए जाने का प्राविधान होने के कारण, ठीक है, मतलब एनईपी जो 2020 है, ठीक है, एनईपी 2020 में किसी भी ग्रेस मार्क्स को ना दिए जाने का प्राविधान है, और जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं आपको मिलने वाला, तो वही बात है यहाँ पर, अगर आप लोगों की 1 नंबर से बैक है या फिर 10 नंबर से बैक है, आपको उसका री एग्ज़ाम देना होगा, कोई भी आपको ग्रेस मार्क्स या फिर कृपांक मार्क्स, इसको हिंदी में बोलते हैं, उसको देकर आपको उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ करता था, जब एनईपी 2020 नहीं थी तो उसमें ग्रेस मार्क्स का प्राविधान था शायद 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अगर जिस भी स्टूडेंट्स की किसी सब्जेक्ट में अगर 2 नंबर से बैक है तो उसको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर 3 नंबर से बैक है तो उसको भी पास कर दिया जाता था, बट एनईपी 2020 में 1 नंबर का भी ग्रेस मार्क्स ना देने का प्राविधान है, ठीक है। मतलब अगर आपकी बैक है तो आपको री एग्जाम देना होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है शासन आदेश के द्वारा कि कोई भी ग्रेस मार्क्स देने का प्राविधान नहीं है। सेकंड से एनईपी का भी चीज़ मेंशन कर दी कि एनईपी में भी कहीं भी प्राविधान नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का, ठीक है जी, अब क्लियर हो यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, परीक्षा समिति की बैठक में छात्र हित में फैसला लिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स स्नातक पाठ्यक्रम BA BSc BCom सत्र 23 और 24 के अंतिम वर्ष, मतलब पंचम सेमेस्टर और षष्ठम सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में किसी एक विषय में फेल है, इन दोनों को मिलाकर एक विषय में फेल है, या फिर एक विषय के साथ साथ वो को करिकुलर वाले पेपर में भी उनकी बैक है, ठीक है, तो उनको विशेष परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने यह डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है याद रखना, यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है, जो भी स्टूडेंट्स अपने कोर्स के लास्ट ईयर में हैं, और लास्ट ईयर का मतलब होता है आप लोगों का जैसे BA BSc BCom में लास्ट ईयर में आते हैं आपके 2 सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर आप लोगों की एक विषय में बैक है, अब पेपर कटिंग में क्या था 1 से 5 नंबर तक बैक है तभी एलिजिबल हो पाओगे स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस आप लोगों की जो बात करी गई है वो ओनली बैक की बात करी गई है। अगर आप लोगों की एक सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, तो आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो कि यूनिवर्सिटी
एक दो महीने के अंतर्गत करवा लेगी, इसमें बैठने का मौका मिल जाएगा और इसमें बैठकर आप लोग अपनी बैक क्लियर कर सकते हो। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में अगर दोनों में मिलाकर अगर एक बैक है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो और अपना कोर्स या फिर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। अगर एक बैक के साथ साथ को करिकुलर वाले पेपर में भी अगर आप लोगों की बैक है तब भी आप लोग स्पेशल एग्जाम में बैठ सकते हो। तो वही चीज़ें जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो इसमें बस यही है, जो भी स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के बी ए बी एस सी बी कॉम वाले फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर दोनों में मिलाकर अगर एक सब्जेक्ट में उनकी बैक है, ठीक है, उसके साथ साथ चाहे उनकी को करिकुलर वाले पेपर में भी बैक है, तो उनको स्पेशल एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा और इस स्पेशल एग्जाम में री एग्ज़ाम देंगे वो और क्लियर होता है तो आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बीएड वालों की या फिर अदर कोई भी यूनिवर्सिटी का कोर्स है और वो लास्ट ईयर का है या फिर लास्ट सेमेस्टर है, उनकी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। क्लियर हो गई, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बात करी गई है लेटर में वो करी गई है बी ए बी एस सी बी कॉम वालों के लिए स्पेशल एग्ज़ाम की, बट जब इन बच्चों के लिए स्पेशल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है तो मान के चलिए यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स हैं, चाहे बी एड हो गया, बी सी हो गया, बी बी ए हो गया, ठीक है, अगर उनके लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है, या फिर लास्ट ईयर में दो सेमेस्टर मिलाकर अगर उनकी एक बैक है, ठीक है, तो उनको भी स्पेशल एग्जाम में बैठने का मौका यूनिवर्सिटी दे सकती है। तो आगामी जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये जो अपडेट थी वो बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, जो भी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में अगर उनकी बैक है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को मिलाकर एक सब्जेक्ट में बैक है तो उनको स्पेशल एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ को करिकुलर वाले में बैक है तो उसको भी स्पेशल एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होगी। अब यहाँ पर और चीज़ बता दूँ कि जैसे मान के चलिए जिन भी स्टूडेंट्स की फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में मिलाकर दो से तीन बैक हैं तो उन बच्चों को स्पेशल एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब नहीं दिया जाएगा तो फिर इनकी जो बैक क्लियर होगी वो कैसे होगी? तो जैसे मान के चलिए उनकी फिफ्थ सेमेस्टर में दो बैक थी तो इनका जो री एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में इनका एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में उनका एग्ज़ाम होगा। अगर मान के चलिए उन बच्चों की सिक्स सेमेस्टर में एक से दो बैक है या फिर एक बैक है तो उनका जो री एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट ईयर इवन सेमेस्टर में जाकर उनकी बैक क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सहूलियत दी गई है, ठीक है, वो किन स्टूडेंट्स को दी गई है? जिन भी स्टूडेंट्स की पंचम और षष्ठम मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर मिलाकर एक प्रश्न पत्र में बैक है या फिर सह पाठ्यक्रम में को करिकुलर वाले में बैक है तो उनको स्पेशल एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सेकेंड पॉइंट की। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है आप लोगों का ये, इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति में स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अधिकतम 9 वर्ष में उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन होती है वो आपके 3 ईयर प्रोग्राम होता है, इसको मैक्सिमम 9 ईयर तक हम लोग पास आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ फॉर नॉलेज। मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स ने एक साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसने गैप ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसने 2 साल का गैप लेके अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट करी, फिर उसने गैप ले लिया, उसने फिर थर्ड ईयर कंप्लीट करी, तो इस तरह से जो मैक्सिमम टाइम है वो 9 साल तक खिंच सकता है। ठीक है, अब मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर उसने क्लियर कर ली, सेकेंड ईयर में उसकी दोनों सेमेस्टर बैक आ गई और बच्चा फेल हो गया, फिर उसने 1 साल रुक के रीका फॉर्म डाला, फिर वो अपने थर्ड ईयर के मतलब सेकेंड ईयर के एग्जाम देगा, आफ्टर दैट थर्ड ईयर का देगा, तो इस तरह से अगर वो गैप वगैरह करता है, अगर फेल वेल होता है तो वो जो कोर्स की ड्यूरेशन है पूरी वो 6 साल तक मैक्सिमम खींच सकती है। इसका मतलब बस यही बताया गया है जो कि एनईपी में है और इसको यूनिवर्सिटी आरएमपीएससी ने मान्य कर दिया कि ठीक है ऐसा अगर होता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ तो हम भी इस फॉर्मूले को या फिर इस नियम को लागू करेंगे और लागू कर दिया है इस लेटर में, यही बताया गया। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जिसके दृष्टिगत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, ब्रीफ में आपको बता देता हूँ क्योंकि डिटेल में मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर वही बताया गया है, जो भी स्टूडेंट्स एक से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक जिनकी भी स्टूडेंट्स की बैक है या फिर फेल हो चुके हैं तो उनको थर्ड ईयर में प्रोन्नत नहीं किया जा रहा था, बट फाइनली यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स की एक से लेकर चार में कितनी भी बैक सही, कितने भी सब्जेक्ट में बैक सही फेल सही तो उनको थर्ड ईयर में मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा,
प्रमोट कर दी जाएगा, वो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बट कोर्स की डिग्री या फिर मार्कशीट तब तक उन्हें नहीं मिलेगी जब तक वो अपनी 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक की जो बैक है उसको क्लियर नहीं कर लेते। तो यही चीज़ इसमें सेकेंड पॉइंट में बताई गई है। तो यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देता हूँ, आप लोगों को शायद और समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिसके दृष्टिगत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अच्छादित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष विषम सेमेस्टर सम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र जो कि शिक्षा नीति के नियमानुसार तृतीय वर्ष के सेमेस्टर विषम मतलब थर्ड और सम सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र छात्र जो तृतीय वर्ष में प्रोन्नत नहीं हो पा रहे थे उनको प्रोन्नत करने का फैसला ले लिया गया और उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। बस यहाँ पर जो शर्त है वो ये रख दी गई है कि उनको प्रीवियस बैक अपनी क्लियर करनी होंगी 5th और 6th सेमेस्टर के दौरान, तभी उनका जो कोर्स है उसके उपरांत उनको उपाधि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा वही है कि जिन भी स्टूडेंट्स की 1 से 4 तक काफ़ी व्यक्ति और उनको फेल नॉट प्रमोटेड उनकी रिजल्ट स्टेटस में दिखा रहा था फेल नॉट प्रमोटेड, ठीक है, तो उनको प्रमोट कर दिया गया है 5th सेमेस्टर में। वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म और अपने 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो उनकी बैक वगैरह वो आपकी होती रहेंगी। बट आपके जो फाइनल मार्कशीट वगैरह तभी प्रदान की जाएगी जब आपकी प्रीवियस बैक क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही फैसला लिया गया जो कि मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बता दिया। यहाँ पर अगला क्या, परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के आलोक में 17, 23, 24 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अच्छादित पाठ्यक्रम में पंचम और षष्टम की विशेष परीक्षा शीघ्र ही आयोजित होगी। शीघ्र ही का मतलब ये है कि 1 से 2 महीने के अंतर्गत ये परीक्षा जो है आप लोगों की आयोजित करा ली जाएगी और उसका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा वो भी हम आगे आपको वीडियो में बता देंगे ऑफिशियल अपडेट आने के बाद। और यहाँ पर जो बात करी गई स्पेशल एग्जाम की वो ओनली बीए बीएससी और बीकॉम वालों की बात करी गई है, बट मेरे को लगता है कि जितने भी कोर्सेज हैं और उनके लास्ट सेमेस्टर में बच्चों की अगर एक सब्जेक्ट में बैक है तो उनको भी यहाँ पर बैठने का मौका दे दिया जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कुछ दिन बाद ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हो। तो बस यही था वीडियो में, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।